हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस डीसी मोटर के स्पीड को बढ़ाकर बताऊंगा, इसे कैसे स्पीड बढ़ाएं इसे। चले वीडियो के में देखते हैं। दोस्तों, ये डीसी मोटर 12 वोल्ट की है जो हमारे सीडी प्लेयर के अंदर होती है। इसे हम खोल लेंगे, पीछे की तरफ पेचकस को डालकर ऊपर की तरफ धक्का देने से यह खुल जाता है। और इसके तरफ ये हमारा बूस है पीछे का, ये हमारा आर्मेचर है और अंदर में चिंबुक लगा है मैग्नेट। दोस्तों, हमारा आर्मेचर का कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को, ये पतला कॉपर वायर है, इसे हम निकाल लेंगे और इसमें मोटा कॉपर वायर वाइंडिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पीछे का जो ब्रश होता है वो इससे टच होता है और हमारा डीसी मोटर वो चलने लगता है। चलिए दोस्तों, मैं इसमें का अंदर का कॉपर वायर को बाहर निकाल ले रहा हूँ। इसमें बहुत सारा कॉपर वायर होता है, इसे घुमा घुमा कर अंदर से निकाल लेना है तीनों में से। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है। इस तरह से आपको भी सभी कॉपर वायर को निकाल लेना है। इसमें बहुत लंबा कॉपर वायर होता है। इसके बाद दोस्तों, हमें इस कॉपर वायर की ज़रूरत होगी। ये मोटा कॉपर वायर है, यह लगभग 26 नंबर का कॉपर वायर है। इसे हम इस आर्मेचर में फिर से वाइंडिंग करेंगे। हम इसमें 75 राउंड करेंगे, इसमें कॉपर वायर का 75 राउंड टर्न करेंगे। तीनों आर्मेचर के भाग में हमें वाइंडिंग करना है 75 राउंड। अरे, हमारा पीछे का जो बूज वाला भाग है उसे हम इसमें लगा कर एक बार देख ले रहे हैं कि यह ऊपर की ओर वायर जो है उठा है कि नहीं। अगर उठ जाएगा तो हमारे मोटर को रोटेट नहीं करने देगा, रोक देगा, इसलिए हम उसे लगाकर एक बार चेक कर रहे हैं कि यह ऊपर उठ गया है कि कम है, इसे देखने के लिए। उसके बाद हमें दूसरे भाग में जाने के लिए इसमें थोड़ी वायर छोड़नी पड़ेगी, जिससे हम इस बूस में सोल्डिंग कर पाएंगे। उसके बाद दूसरे आर्मेचर के दूसरे भाग में हम इसमें वाइंडिंग करेंगे, इसमें भी 75 टर्न करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा वायर ऊपर की ओर छोड़ देंगे, जिससे हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। और उसके बाद फिर इसे निकाल लेंगे, तार को लपेटते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद थोड़ा वायर छोड़कर फिर से तीसरे भाग में वाइंडिंग करना होगा 75 राउंड करने के बाद हम इसे फिर सोल्डिंग करेंगे। मैं चलिए दोस्तों, मैं इसमें अब 75 टर्न दे रहा हूँ। इस तरह से क्लॉकवाइज में घुमाना है आपको, क्लॉकवाइज टर्न करना है। इस तरह से आप जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। क्लॉकवाइज में आपको वाइंडिंग करना है इस तरह से। और उसके बाद लास्ट में दो वायर बचेगा, उसे हम आपस में जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं इसे काट ले रहा हूँ। काटने के बाद तो लास्ट में एक एक वायर छूटेगा इस तरह से। जो शुरुआत में छूटेगा वो वाला छोर है, उस छोर को हम इस अभी काटे हैं उस वायर में सोल्डिंग कर देंगे। दोनों को आपस में टर्न कर एक बना देंगे। इस तरह हमारे पास तीन वायर बनेगा। तीनों को अब हम सोल्डिंग करने के लिए हम इसमें से जो ऊपर में पेंट लगा होता है उसे हम साफ कर लेंगे सैंड पेपर से, या आप इस तरह के कटर से भी इसे ऊपर के पेंट को हटा सकते हैं। उसके बाद इसमें सोल्डिंग आराम से चिपकेगा। इसे हटाएंगे नहीं तो इसमें कॉपर वायर है तो भी से इसमें सोल्डिंग नहीं होगा। इसको हटा लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसमें सोल्डिंग होता है पेंट को हटाने के बाद। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो बूज वाला भाग है उसको लेंगे और पीछे में लगा देंगे इसके, इस तरह से अंदर की ओर धकेलना है। उसके बाद लग जाता है। और जो एक्स्ट्रा वायर बचेगा लंबा लंबा, उसे हमें काट लेना है और इस बूज वाले भाग में सोल्डिंग कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। इस तरह से आपको भी सोल्डिंग करना है। उसमें सोल्डिंग करने के लिए स्थान होता है, उस स्थान पर हमें सोल्डिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए, मैंने सोल्डिंग कर लिया है। इसे ध्यान से करना है ताकि हमारा मोटर जो है वो जाम ना हो, सावधानी से। उसके बाद हमारे इस बॉडी में, मोटर के बॉडी में और अंदर में मैग्नेट लगा है, उस बॉडी में हम इसे आर्मेचर को लगा लेंगे
और हमारा जो ब्रश होता है उसमें का है, इस सर्किट बोर्ड को हम निकाल लेंगे, नहीं तो सर्किट बोर्ड गर्म होकर जल भी सकता है। इस सर्किट बोर्ड को निकालने के बाद हम इसे इस ब्रश को अपने आर्बेचर के अंदर लगाएंगे। तो आर्बेचर को निकाल लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे ताकि आसानी होगी। इसको आगे पीछे हिला डुला कर इसे अंदर की ओर डालना है, उसके बाद यह लग जाएगा और अच्छी तरह से रोटेट करेगा। उसके बाद हमारे इस बॉडी के अंदर इसे डालना है। डालते समय हमारे जो शाफ्ट निकलता है उस छेद को हाथ से उंगली से बंद कर देना है, उसके बाद अंदर डालेंगे तो आसानी होगा, नहीं तो जो मैग्नेट होता है वो अंदर की ओर इसे खींच लेगा। उसके बाद हम इसे सोल्डिंग करेंगे अपने ब्रश में, वायर सोल्डिंग करेंगे ताकि बैटरी वगैरह में जोड़ने के लिए आसानी होगी। उसके बाद इसका इंड कैप है, मोटर का इंड है यानी ढक्कन है पीछे का, उसे हमें लगा लेना है। उसके बाद हम इसमें अब टेस्टिंग करेंगे, इसे टेस्टिंग करके देखेंगे पहले जो था मोटर कितने कम स्पीड में घूमता था। इस तरह से बहुत कम स्पीड में घूमता था और बहुत लो आरपीएम के था और बहुत कम टॉर्क देता था। तो इसका हम उपयोग तो अपने आरसी कार में नहीं कर सकते थे, इसलिए हम मैंने इसे रिवाइंडिंग करके इसका स्पीड को बढ़ा दिया है। देखिए दोस्तों यह बहुत कितना स्पीड से घूम रहा है। इसका हम अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिल मशीन बनाने के लिए, फैन बनाने के लिए और आरसी कार बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेगा। ऐसे